हरियाणा में भाजपा की सरकार बनते ही राज्य सरकार कभी गाय कभी गीता को लेकर चर्चा में रहा है। अब 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में हरियाणा सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ रही है। इसके बाद हरियाणा के तमाम स्कूलों में गायत्री मंत्र को स्कूल के सिलेबस और प्रार्थना का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा। इससे पहले हरियाणा में गीता के श्लोकों को कई क्लासों में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वहीं श्रीमद् भागवत गीता को स्कूल के सिलेबस का हिस्सा बनाने के बाद सरकार ने घोषणा की थी कि स्कूलों में योगा को भी अनिवार्य किया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले के बाद गायत्री मंत्र स्कूल शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा में गाया जाएगा, तो वहीं स्कूल के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होगा। हालांकि सरकार ने अभी ये तय नहीं किया है कि गायत्री मंत्र को किस कक्षा से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इतना तय है कि आगामी विधानसभा सत्र के तुरंत बाद गायत्री मंत्र को लेकर हरियाणा सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके बाद से गायत्री मंत्र अनिवार्य बन जाएगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले।